बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आज सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। खबरों के मुताबिक सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से कुछ देर के लिए फायरिंग हुई। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस नौनट्टा, नागेनी, प्याज और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। इलाके में और सुरक्षा बल भेज दिए गए हैं, आतंकियों की तलाश भी जारी। एक दिन पहले अनंतनाग के कोकरानाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए, इनमें से 1 नागरिक की आज अस्पताल में मौत हो गई। यहां भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां इतला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहां लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी तो वहां पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी, तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद तौर पे जख्मी हुए थे एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेन मार्टिरडम। Another jawan was also injured. He is stable. Similarly, it is a matter of investigation that some civilians were also nearby that group, and they were wo us golibari ki jad mein aaye jisme ek zakhmi hone ke baad he succumbed to injuries. Another is under medical treatment and seems to be stable at this juncture. दक्षिणी कश्मीर के गड़ोल इलाके में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। सूरज की किरण फूटने के साथ ही ऑपरेशन एक मरतबा फिर शुरू किया गया है और इस पूरे जंगलाती इलाके को खंगाला जा रहा है। कल यहां पर उस वक्त मुठभेड़ शुरू हुई थी जब सेना को एक सूचना मिली थी कि इस जंगलाती इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए थे, जिसके बाद ऑपरेशन साझा ऑपरेशन था जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और फौज के जवान शामिल थे। उन्होंने इस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद जो ही सेना के जवान संदिग्ध जगह की तरफ गए तो वहां पर छुपे मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में सेना के 5 जवान घायल हुए, जिनमें से 2 जवान बाद में वीरगति हासिल कर गए हैं। बहरहाल इस वक्त यहां पर बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बावजूद भी सेना की यही कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए और जो छुपे मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। ग्राउंड जीरो से आरिफ बलोच आज तक के लिए, दक्षिणी कश्मीर, गड़ोल, अनंतनाग। कश्मीर में हुए इस मुठभेड़ पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो भी आपको सुना देते हैं। ये अपने आप में तो पार्ट ऑफ द हादसे जो हो रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है कि अगर हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया, कोई नहीं, ये सालों से हो रहा है। अनंतनाग में तो रेगुलरली होता है, तो उसमें कोई हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नई चीज हो गई है। चीज तो पुरानी हुई है और होती रहेगी, क्योंकि आपकी इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब अलग अलग कमांडर्स के अंडर में है। एक तो उनका कमांड एंड कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि सब दिल से कर रहे हैं काम, पर ये एक हैंडीकैप हो जाता है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है आपके बॉर्डर खुले हुए हैं। अनंतनाग में तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं, और ये तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में जब फौजें चल रही थी आगे तो अटैक हुआ, इसका मतलब वो बैठे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनका लॉजिस्टिक्स पूरा था, उनको एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा था, खाने पानी सब कुछ हो रहा है। तो ये तो सोचिए मत कि ये सडनली पैराशूट से उतर आए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल रहा है लगातार निरंतर।